subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपनात्मा ये अध्यात्म जगत जो है इसके अंदर अध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है, उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुँचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है, इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की। आँखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहब जी ने। अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का और सिर पर रखो हंस, हे पुण्यात्माओं अपने कबीर परमेश्वर का पंजा अपने सिर पर रखना, और यम के दूत आपके निकट नहीं आवेंगे और तुम्हारा पूरा कुल का कुल पार हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, जम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीर। दर्द बंद दरवेश है, दरवेश माने संत, यानी जब वो परमात्मा संत रूप में आते हैं वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, दो चार की क्या कहूँ ये तार हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, जूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। जूठे गुरु के आसरे कदे न उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैले, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैल। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी अपने परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा का पंजा सिर पर रखोगे यानी उसकी शरण में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर यम के दूत कभी अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका। अपने आत्माओं एक तो आप देखना हमारे इस कबीर परमात्मा के इस दास के माध्यम से जो शरण में आए परिवार हैं उनके छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बुढ़े तई की क्रिया देखना, छोटे छोटे बच्चे पूरा मंगलाचरण याद किए हुए हैं, परमात्मा की वाणी बोलते फिरते हैं, बूढ़े बूढ़े भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, फालतू बातें नहीं करते किसी से,
अब उनके जो अब संतान होने लग रही है हमारे जो 10-15 वर्ष से उपदेशी है, अब उनके घर में जो हंस बेटा या बेटी जन्म ले रहे हैं वो तो वो पुण्यात्मा रही है जो परमात्मा के स्टॉक में इस ब्रह्मांड में रखी हुई थी और जिनको अब जन्म देना था इस समय, और वो इतने पुण्यकर्मी पुण्यात्मा उनको गर्भ में भक्ति मिलने लग रही, माता के गर्भ से ये सत भक्ति सत ज्ञान वो लेकर के साथ उतरते हैं नीचे आते। और एक अन्य संतों की इनका देखो आप, ये दूसरे राधा स्वामी धन धन सतगुरु, इनका कोई ज्ञान नहीं, इनके पास कोई ऐसी परमात्मा की मुखारविंद से उचरित वाणी नहीं, उस शिवदयाल भूत बना बैठे बुक्की में बोल रहे इनका धन धन सतगुरु सच्चा सौदा और राधा स्वामी इन सब का मुखिया जो इनका प्रवर्तक है शिवदयाल जी गलत साधना करके झूठा गुरु था वो। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, चारों युग प्रमाण है इनका, अरे ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट पर भूत बने अन्य सारे, ये प्रमाण आपके सामने आपको सैकड़ों बार दिखाया है। शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा संख्या को बर्बाद करके चला गया, वो खुद भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बढ़ के ओक्का पीवर रोटी खावे, वो सतलोक के लक्षण है उसके गए हुए। तो कहने का भाव ये है जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते मरिया दुर्गति होती है। कबीर साहब कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। इस वीडियो बारे अपनी राय कमेंट सेक्शन विच सानू दसो अते अपने मित्रां नाल ए वीडियो शेयर करना ना भूलियो।